नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 7 टीवी और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले बेंच ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है और कहा है कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार का फैसला सही है। 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आर्टिकल 370 का प्रावधान उस समय युद्ध के बाद उपजे हालात को लेकर किया गया था, यह अस्थाई है और इसे बदला जा सकता है। इसे निरस्त करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रक्रिया के तहत निर्णय लिया। जम्मू कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग है, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है। भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर संप्रभु राज्य नहीं रहा। जम्मू कश्मीर में अब उसकी संविधान सभा नहीं है। राज्य में युद्ध की स्थिति के कारण अनुच्छेद 370 एक अंतरिम व्यवस्था थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा जल्द बहाल हो और 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराए जाए और इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाए। First, to judicial review, an immunity from judicial scrutiny does not attach to the exercise of constitutional powers of the legislature of the state. The court, while judicially reviewing the exercise of power, can determine if the exercise of the constitutional power of the legislature of the state by parliament has a reasonable nexus with the object sought to be achieved by the proclamation. The next issue is whether Jammu and Kashmir retained an element of sovereignty or internal sovereignty when it joined the Union of India. We have held that the state of Jammu and Kashmir did not retain an element of sovereignty when it joined the Union of India. We have arrived at this conclusion for the following reasons. First, paragraph 8 of the instrument of accession executed by Maharaja Hari Singh provided that nothing in the instrument would affect the continuance of the sovereignty of the Maharaja in and over the state. Second, on 25 November 1949, a proclamation was issued for the state of Jammu and Kashmir by Yuvraj Karan Singh. The declaration on this proclamation that the Constitution of India would not only supersede all other constitutional provisions in the state, which were inconsistent with it, but also abrogate them, achieves what would have been attained by an agreement of merger. With the issuance of the proclamation, paragraph 8 of the instrument of accession ceased to be of legal consequence. The proclamation reflects the full and final surrender of sovereignty by Jammu and Kashmir through its sovereign ruler to India, to her people who are sovereign. Third, neither the constitutional setup nor any other factors indicate that the state of Jammu and Kashmir retained an element of sovereignty. The constitution of Jammu and Kashmir was only to further define the relationship between the by the Constitution of India. माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है, वह भारत के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण जजमेंट है। 1947 से जिस बात की कवायद जम्मू कश्मीर को लेकर के चल रहा था कि जम्मू कश्मीर एक ऑटोनोमस स्टेट है, एक स्वतंत्र स्टेट है, वह भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं है, जो वहाँ का पॉलिटिकल पार्टियाँ जो कहती थी, आज उन तमाम बातों को धता बताते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, जम्मू कश्मीर भारत से कभी भी बाहर नहीं रहा है, जम्मू कश्मीर के ऊपर भारत का संविधान बिल्कुल लागू होता है। और यह भी कहा कि जो इस तरह से 2019 में जम्मू कश्मीर के संविधान को खत्म किया गया वह बिल्कुल सही कानून था, भारतीय संसद के द्वारा पास किया गया। तो इस तरह से जो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी यहाँ की जो संसद की जो संवैधानिक पीठ थी उसने अपनी मोहर लगा ली है। तो आज एक ऐतिहासिक फैसला आया है और अब तक जो वाद विवाद जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में था वह वाद विवाद आज खत्म हो गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दिया है कि चूंकि भारत सरकार ने अपने आर्गुमेंट के दरमियान कहा था कि हम जम्मू कश्मीर में चुनाव कराएंगे, उसको स्टेटहुड देंगे, तो इसके लिए 30 सितंबर 2024 तक का वक्त दिया गया है कि 30 सितंबर 2024 तक वहां पर सरकार गठन हो जाए, ऐसा
डायरेक्शन माननीय चुनाव आयोग को दिया गया है। जब डायरेक्शन है तो उसका पालना बिल्कुल केंद्र सरकार करेगी और चुनाव आयोग करेगा। लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी बना रहेगा, ऐसा भी आदेश जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसको वैलिड माना गया है और लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी बना रहेगा।